सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या मार्क्स होगा, क्या रैंक चाहिए आपको NIT इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, NCL और हम लोग SC ST सारा कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। और लोअर ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए कितना रैंक चाहिए और कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए कितना रैंक है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने सारे NIT सारे IIIT का सीरीज बना के रखा हुआ है, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई और कॉलेज के बारे में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं हम लोग NIT इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी, जो बंदे जनरल कैटेगरी में है और होम स्टेट। मैं पहले बताता हूँ, होम स्टेट का मतलब होता है जहाँ से आप, जिस स्टेट से 12th किए हैं, ठीक है। अगर आप इलाहाबाद मतलब UP से अगर आप 12th किए हैं तो आपका होम स्टेट होगा, ठीक है। अगर आप, ये बायोटेक है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे। ये बायोटेक है, बायोटेक का होम स्टेट और बायोटेक का अदर स्टेट। और अगर अदर स्टेट में है तो बायोटेक में एडमिशन के लिए कितना रैंक चाहिए जनरल कैटेगरी में, और ये होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस, अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सो बात करते हैं होम स्टेट वाले के लिए जनरल कैटेगरी। तो बायोटेक में अगर एडमिशन लें, मतलब कि बायोटेक का मतलब क्या, मतलब कि इस कॉलेज में लास्ट कितने रैंक तक एडमिशन आपको मिल सकता है, तो 33,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए कितना परसेंटाइल लेना पड़ेगा, 96.8 प्लस परसेंटाइल लेना पड़ेगा। मार्क्स की बात करें तो 150 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, ओके। अब यही बात करें बायोटेक में अदर स्टेट वालों के लिए, तो उसके लिए 35K लाना पड़ेगा रैंक। अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा मिल गया, क्योंकि होम स्टेट में ही बहुत लोग ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है, जहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इसके लिए कितना परसेंटेज, 96.5 प्लस मार्क्स, कितना, 140 प्लस। अब बात करते हैं होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, और कितना रैंक। इसके लिए 4,500 रैंक लाना होगा आपको, 99.5 प्लस परसेंटाइल और 230 प्लस मार्क्स लाते हो तो डेफिनेटली आप जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। ऑल राइट, अब बात करते हैं हम लोग अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एडमिशन में, तो 2.7K रैंक होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, 99.7 प्लस रैंक परसेंटाइल होना चाहिए और 250 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये बात हो गया हमारा जनरल कैटेगरी का पूरा। अब हम लोग बात करते हैं EWS में, अगर बायोटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है, मतलब इस कॉलेज में कल एडमिशन लेना है, तो होम स्टेट में अगर आपका 5.3K रैंक, मतलब ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है, या मैं मेंशन करता हूँ ये कैटेगरी रैंक है। आपको कोई और कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा, ठीक है। इसके लिए कितने परसेंटाइल चाहिए, 96.9 प्लस और 160 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। बात कर अदर स्टेट वालों के लिए, तो अदर स्टेट वालों के लिए 5.7K रैंक चाहिए कैटेगरी और परसेंटाइल 96.6 प्लस और मार्क्स 155 के आसपास अगर मार्क्स स्कोर करते हो JEE Main के फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, तो डेफिनेटली आपको बायोटेक मिल जाएगा अदर स्टेट से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं होम स्टेट में EWS कैटेगरी की, तो इसमें आपको 819 रैंक के आसपास अगर आपका रैंक होगा तो डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए परसेंटाइल 99.4 प्लस चाहिए और मार्क्स 225 के अराउंड आपको स्कोर करना पड़ेगा JEE Main में, ओके। अब बात करते हैं अदर स्टेट वालों के लिए कंप्यूटर साइंस, तो 423 रैंक होना चाहिए, 99.6 प्लस परसेंटाइल और 240 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मैंने डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करके ये सारा चार्ट प्रिपेयर किया है। सो प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। अब बात करते हैं OBC NCL वालों के लिए होम स्टेट में, होम स्टेट का अगर हैं आप तो 12,000 रैंक होगा तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा बायोटेक में, ठीक है, ये बायोटेक का है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 95.8 प्लस परसेंटाइल लाना होगा और 140 प्लस मार्क्स लाना होगा। अब यही हम लोग बात करें बायोटेक में, ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए, तो अदर स्टेट वालों के लिए 12.8K रैंक होना चाहिए, ओके, 95.6 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए और 135 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपको बायोटेक मिलेगा अदर स्टेट से, ओके। अब बात करते हैं होम स्टेट वालों के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं OBC NCL कैटेगरी में, तो 1827 ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है, जनरल छोड़ के बाकी सारा जितना भी मैंने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन किया है वो सारा कैटेगरी रैंक है, ठीक है। तो ये 1827 रैंक होना चाहिए, इसके लिए परसेंटाइल 99.3 प्लस और मार्क्स कितने, 220 प्लस मार्क्स लाओगे तो ये मिल जाएगा आपको, ओके। अब हम लोग बात करते हैं अदर स्टेट वालों के लिए कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए 1279 रैंक, 99.4 प्लस परसेंटाइल और कितने मार्क्स, 230 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो अगर आपको बायोटेक में एडमिशन लेना है, बेसिकली इसमें अदर स्टेट और होम स्टेट का लगभग सेम कटअप जाता है, ठीक है। तो आपका अगर 6.5K है, मतलब ये क्या है आपका, ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है। इसके लिए कितने परसेंटाइल चाहिए, 84 प्लस परसेंटाइल चाहिए और मार्क्स कितने चाहिए, अराउंड 60-65 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो तो आपके 84 परसेंटाइल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हो तो 70 प्लस स्कोर कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए, तो 900 के अंदर रैंक होना चाहिए, कैटेगरी रैंक है ये, ठीक है। और इसके लिए 96 प्लस परसेंटाइल होने चाहिए और 96 प्लस परसेंटाइल के लिए आपको 150 के राउंड मार्क्स स्कोर कर लेते हो, मतलब 140 प्लस, तो आपको इतने परसेंटाइल मिल जाएंगे और इतने रैंक हो जाएंगे जिससे आपको NIT इलाहाबाद में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा जोसा काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग करने में, आपको समझने में कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ओके। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।